हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आवर सेकंड लेसन, पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स फाइंड करना है, ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है और किससे फाइंड करना है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मींस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू गिवन है और इन दोनों से हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। यहाँ पे हमने सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लिया है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बीटा मीन सम ऑफ जीरो एंड अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। इसमें हम सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मीन्स सम और प्रोडक्ट, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल जाएगा। यहाँ पे के क्या है, जनरली वन लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम के को वन ही अज्यूम करेंगे। सब देखिए क्वेश्चन में है, फर्स्ट है 1/4 एंड माइनस वन। 1/4 और माइनस वन क्या है? 1/4 इज सम ऑफ जीरोस एंड माइनस वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होते हैं उसके जीरोस अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। आगे हमारे पास वैल्यूज, अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। So, यहाँ पे ये ले लेते हैं हम के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर के की वैल्यू वन ही लेते हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 रख देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस वन, सो ये हो जाएगा एक्स यहाँ पर माइनस वन। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो आ गया। यहाँ पर देखिए एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1/4 है, डिनोमिनेटर में 4 है और 4 को हमें यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4x माइनस वन इंटू फोर। जो तीनों भी टर्म्स है इन तीनों को हमने क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पर 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो माइनस यहाँ से बचा x और ये 4 वन जा 4 मीन्स माइनस 4। सो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यहाँ पर हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सिंपल हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की है एंड 1/3। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रूट टू और अल्फा इंटू बीटा 1/3। आगे हमारे पास अब हमको फॉर्मूले पता है, क्या है फॉर्मूला, के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया। चलो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज है, सो ये बन जाएगा के की वैल्यू जनरली हम यहाँ पे वन ही लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट टू है, सो ये रूट टू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/3, सो 1/3, ये आ गए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बट यहाँ पर देखिए 1/3 डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह पूरी जो हमारे पास ये पॉलीनोमियल है इसको हम 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1/3 इंटू 3। सो ये बन गया पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस 1। सो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थर्ड वैल्यू गिवन है 0 एंड रूट फाइव, 0 रूट फाइव, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट फाइव, आ गया यहाँ पर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, पी एक्स इज इक्वल टू के, के अगर हम यहाँ पे ना भी मेंशन किए तो भी क्या रहेगा, ये करेक्ट रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया हमारे पास। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, के की वैल्यू वन ही अज्यूम करेंगे, सो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो है, सो ये हो गया जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रूट फाइव, सो ये हो गया रूट फाइव। सो ये एक्स स्क्वायर जीरो इंटू एक्स जीरो ही हो जाएगा, सो हम इसको मेंशन नहीं करते यहाँ पर, और ये हो गया रूट फाइव। सो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। फोर वन वन मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी वन है और अल्फा इंटू बीटा भी वन ही है, लिख लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, के की वैल्यू वन ही रहेंगी, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वन एक्स, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी क्या है वन ही है, सो ये हो गया वन। क्या बना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। फिफ्थ वन माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर एंड प्लस वन बाय फोर, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस वन अपॉन फोर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वन अपॉन फोर। आ गया वैल्यू लिख ली हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला लिख ली। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, के की वैल्यू वन अज्यूम करेंगे, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है प्लस वन अपॉन फोर, सो ये हो गया वन अपॉन फोर। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे फोर को हटाने के लिए पूरा ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम फोर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन अपॉन फोर, फोर इंटू वन अपॉन फोर एक्स प्लस फोर इंटू वन अपॉन फोर, सो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर से फोर कैंसल, सो ये एक्स प्लस फोर से फोर कैंसल, यहाँ पे बचा वन, सो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। लास्ट लास्ट वैल्यू गिवन है फोर एंड वन, फोर एंड वन, सो अल्फा प्लस बीटा भी हो गया फोर और अल्फा इंटू बीटा हो गया वन। हमारे पास फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के की वैल्यू वन, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, के की वैल्यू वन रहेंगी, सो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है फोर है, सो माइनस फोर एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वन, सो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड एक्सरसाइज के साथ सेकेंड लेसन पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके सभी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके सभी वीडियोस वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन।